दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि स्टेनोग्राफी क्या होता है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको जानना जरूरी है कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि स्टेनोग्राफी एक शॉर्ट लैंग्वेज होता है जिसमें किसी भी जो लंबा लंबा टर्म रहता है या वाक्य रहता है उसको शॉर्ट करके लिखा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि लोकसभा सचिवालय, फिर राज्यसभा सचिवालय जितना भी है वगैरह, फिर कोर्ट वगैरह में जो बहुत सारे लैंग्वेज एक बार में बोला जाता है, बहुत सारे वाक्य को उसको शॉर्ट करके लिख लिया जाता है, फिर उसको टाइप करके जो सामने वाले रहते हैं उनके पास प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपको बता दें कि स्टेनो में जो रहता है तो ये कॉपी स्टेनो की है, एग्जाम में भी इसी टाइप को आपकी कॉपी मिलती है स्टेनोग्राफी की, उसी पर आपको शॉर्ट टर्म लिखना पड़ता है या कहीं कहीं ई वाली कॉपी भी मिलती है आपको शॉर्ट हैंड के लिए। ठीक है, आप बता दें कि इसमें जो रहता है किस टाइप से स्टेनो लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको हम बताते हैं, यहाँ पर दिखाइएगा कि एक कोई टर्म आप बोल रहे हैं जैसे राम आम खाता है, ठीक है, इसको शॉर्ट करके लिखा जाता है। जैसे ये हो गया आपका राम, उसके बाद में आम, उसके बाद में खाता है, ठीक, ऐसे करके शॉर्ट लैंग्वेज हो गया। अब जब आप आगे बढ़ जाइएगा, मतलब ज़्यादा आपका स्पीड आ जाएगा तो इसको और एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, एक वर्ड में भी लिख सकते हैं राम आम खाता है, वैसे बहुत सारे जो वर्ड हैं उसको शॉर्ट करके लिख लिया जाता है। इसी चीज़ को आपको एक टाइम फिक्स रहता है 80 वर्ड 100 वर्ड पर मिनट, जो भी एग्जाम हो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। उसके बाद उतना का स्पीड में आपको बोला जाता है, उसके बाद आपको ये सब लिख लेना है, लिख कर तब आपको ले जाकर सिस्टम पर बैठा दिया जाता है और बोला जाता है इसको टाइप करने के लिए। टाइप करने के लिए भी आपका टाइम फिक्स रहता है, तो उसके लिए आप मान लीजिए कोई भी फोल्डर खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ हमको टाइप करना है तो इसको आप टाइप कर लीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं राम आम आता है, ऐसे करके आप पूरे चीज़ को आप टाइप कर लिए। और टाइप करने के बाद तब एक कंप्यूटर जो रहता है वहाँ पे सेटिंग रहता है सॉफ्टवेयर का, आपको मैच करा लेता है कि आपने क्या क्या वर्ड टाइप किया है, जो बोला गया है वही वर्ड टाइप किया है, बीच में छोड़े हैं क्या किए हैं, कुछ वर्ड छूटा है। जैसे मान लीजिए राम हम खाता है, इसमें हम खाता छोड़ दिए एक वर्ड को, तो यहाँ पे आपको एक एरर काउंट होता है कि आपने एक गलती कर दिया, ठीक है। कहीं स्पेस देना है आपने दिए, ज्वाइंट करके लिख दिए, फिर उसको एक एरर काउंट किया जाता है। उसी प्रकार से रहता है कि जो किसी एग्जाम में 5% 10% एरर मार्क रहता है, 5% रहता है मतलब कि 100 वर्ड अगर आप टाइप किए उसमें से 5 गलती आपकी माफ है, अगर उससे 6 गलती होगी तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। टोटल वर्ड काउंट करके दिखा जाता है, 100 वर्ड मतलब डिवाइड करके नहीं। इस प्रकार से यही आपका मेन स्टेनोग्राफी होता है, इसी का टेस्ट किया जाता है। अभी आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि जॉब में आने के बाद आपको स्टेनोग्राफी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बस एग्जाम क्वालिफाई कर ले उसके बाद ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। क्योंकि हम जैसे जॉब में आ गए हैं तो आप किसी के पास जाते हैं लिखने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप शॉर्ट हैंड में लिखिए हर एक चीज़ को, तो सामने वाले को कोई मतलब नहीं है। आप हिंदी में लिखिए, शॉर्ट हैंड में लिखिए, मतलब जल्दी से वो जो बात बोल रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए और आके यहाँ आपको टाइप कर देना है, बस यही चीज़ मेन जो है वही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।